और अब खबर भरतपुर से है, जहां धोखाधड़ी के मामले में एक महिला सहित दो बेटियों और दामाद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद निवासी 55 वर्षीय विजय पाल सिंह की पहली शादी संतोष के साथ हुई थी और इनके दो बेटियां भी बताई जा रही है। बेटे की चाहत में विजय पाल ने दूसरी शादी कर ली और लेकिन शादी के 6 साल बाद ही विजय पाल की मौत हो गई और इसके बाद पहली पत्नी, दो बेटियों और दामाद ने साजिश करके विजय पाल का मकान हड़प लिया और इसके बाद विजयपाल की दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। लड़का भी नहीं है तो 18 वर्षीय राजकुमारी के साथ उसने शादी कर ली और उसको भरतपुर में उसको मकान बनवा करके भरतपुर में उसको रख दिया। कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद के करीब उसमें उसके राजकुमारी के दो जुड़वा लड़के पैदा हुए। जुड़वा लड़के पैदा हुए तो उसकी जो पहली पत्नी थी वो और उसकी लड़कियां और उसके दामाद वगैरह वो सारे आए, तब इसको ये पता चली कि इसकी पत्नी जीवित है। उसके बाद में फिर इसी बीच में उसको कैंसर हो गया 2-3 साल बाद और उसकी 2017 में उसकी डेथ। अब वो इसकी पहली पत्नी और उसके दोनों लड़कियां हैं, उन्होंने और दामाद ने मिल करके एक झूठा एफिडेविट बना करके कि इसके इसका इस मकान जो है इसके हम ही उत्तराधिकारी हैं और